रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, रोज सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, इसलिए शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स तो एक दिन दुनिया से चला जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। हर रोज तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने देखते रहिए। जितनी जल्दी हो सके दूसरा रास्ता चुनिए। अगर आपने देर कर दी तो आपको जिंदगी भर आपको मन मारकर दूसरों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। हर महान व्यक्ति पहले साधारण ही था, हर इंसान एक दिन बेरोजगार था, हर मालिक एक दिन नौकर था, हर खिलाड़ी एक दिन स्टूडेंट था, हर स्टार एक दिन कुछ नहीं था। फिर आप क्यों डरते हो? इतनी मेहनत करो और तब तक करो जब तक कि आपका मजाक बनाने वाले आपके प्रशंसक न बन जाए। अरे सिर्फ सांसें चलती रहने को जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीदें भी होनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल हमेशा किताब से लगाना, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो बोलना कम करो, सुनना सीखो, सोचना कम करो, एक्शन लेना सीखो, शिकायत करना कम करो, मोटिवेटेड रहो, शक करना कम करो, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आपको दुकान से कोई मनचाहा सामान चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे ही मनचाहा जीवन जीने के लिए मेहनत रूपी कीमत चुकानी पड़ती है। जो इंसान बिना मेहनत के सिर्फ भगवान से मांगता रहता है उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना भिखारी को भी। इसलिए कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। दोस्तों कमज़ोर होते हैं वह लोग जो शिकायत किया करते हैं, वरना उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई आपके पर काटने जरूर आएगा। ये जमाने का कड़वा सच है कि जहर में उतना जहर नहीं जितना आजकल लोग दिलों में दूसरों के लिए रखते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि आपके सिवा कोई और आपको सफलता नहीं दिला सकता। दोस्तों जिंदगी का बस एक ही नियम है, कभी हार मत मानो और आगे बढ़ते चलो। और हमेशा ये बात याद रखो कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रेरणादायक कहानी, जिसको सुनने के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।